राफेल डील से बीजेपी के भ्रष्टाचार का असली चेहरा आया सामने। जयवीर शेरगिल। जलंधर स्थित प्रेस क्लब में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उनका कहना है कि राफेल डील में बीजेपी का भ्रष्टाचार वाला चेहरा सामने आया है। उनका कहना है कि राफेल डील में सरकारी एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जगह रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को लाना और उनके द्वारा इस डील को पूरा किया जाना साफ करता है कि सरकार ने अपने साथ साथ अंबानी परिवार को फायदा पहुंचाया है। इस मौके पर जयवीर शेरगिल ने कहा, मैं अपने वड्डे भरा ते साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पवन खेड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी आलूवालिया जी, एमपी साहब संतोख जी ने इस विषय से आया है कि रफेल हिंदुस्तान के डिफेंस का सब तो वड्डा घोटाला है। रफेल डील राही भाजपा ने देश के टैक्सपेयर का 42,000 करोड़ रुपया लुटिया। रफेल डील राही अपने दोस्तों के फायदे कराने लिए डील हुई है। सरकारी कंपनियों का नुकसान होया, टैक्सपेयर का नुकसान हो सर। रफेल डील राही मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। असी पुछने दरवाजा खड़का रहे हैं मीडिया का कि मोदी सरकार को जवाब देना पेगा, जिम्मेदारी भी लेनी पेगी। यह टैक्सपेयर का पैसा सी, बीजेपी का परसनल फंड नहीं सी। तीजी गल सब तो जरूरी है, अगर मोदी सरकार का 56 इंच का सीना हैगा तो देश को दसन के कीमत किन्नी है। अगर मोदी जी की चुप्पी रफेल नू लेके उन्होंने भ्रष्टाचार का ढोल बजा रही है, इसलिए असी आए हैं। पूरे देश असी जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिदा एमपी साहब ने भी दसिया 100 शहरों असी जा चुके हैं, हर जिले असी जा जाएंगे। यह लड़ाई सड़क तो लैके संसद तक लड़ी जाऊगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसा धरने हो गए जब तक यह कुमकंद सरकार नहीं उठूगी, असी चुप नहीं रहना। उन्हों की वैबसाइट से कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा डसोल्ट का जहाज अज अगर के 1670 करोड़ का। रिलायंस की रिपोर्ट जी प्रेस रिलीज मीडिया राही थोड़े राही सानू मिली है, उस लिखा है असी इस सरकार ने मिलकर 7.2 बिलियन डॉलर के 36 जहाज ले है। अगर मेरा गणित ठीक है वो पर जहाज 1600 करोड़ तो ज्यादा आंदा। बीजेपी कुछ कहती तो नहीं होगी, जिस दिन बीजेपी राहुल गांधी जी का बयान देना उनका लाइन ला के आ जाते हैं। जिस दिन किसी की इज्जत लुटी जाती है, भ्रष्टाचार की गल लगती है, बीजेपी हेडक्वार्टर कर्फ्यू लग जाता। अंबानी मीडिया नू भी भेजे गए।